तू ऊपर कैसे आ गया? बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। तो भाई यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया, मैं तो आ चुका हूँ आगे, वो तीनों रह गए पीछे करीबन 1.5 किलोमीटर। मैं भी उतना नहीं, थकावट हुई तो रेस्ट करके आ गया। चेक कर लो अपनी कैपेसिटी कितनी है। तो भाई यहाँ एक शॉर्टकट था, वो लिया है, काफ़ी हाइट पे भी दिखाता है भाई, ऊपर इतना बचा है। 5:30 बजे पहुँच गए, सुबह निकले थे 9 बजे, 5:30 बजे पहुँच गया हूँ। और जो साथ में थे वो भी आ रहे हैं अभी रास्ते में। अभी आरती स्टार्ट होने वाली है। ऑन द टॉप भाई, ये धूप आ गई है, मजा आ गया धूप देख के। अब तो ठंड लग रही थी, मजा आ गया धूप देख के एकदम। अब गर्म भाई थकावट हो गई रनिंग मार के यार, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बहुत कम है। फिर वर्कआउट भी कर लिया आज। वहां से जाने के लिए पूरा सही रनिंग हो गई है, गोली स्पीड से वहां से वहां फिर कैसे भागा इसके अंदर डाल दे अपने, अब तो ले चल सकता हूँ। ठंड लग रही थी ना यार, अब तो गर्म हो गया भाई। एडवेंचर हो गया बढ़िया, इतनी आसानी से मिलता है यार पहाड़ों पे। तो केदारनाथ के पास एक पहाड़ को पार करके ऐसी जगह है, थोड़ी फ्लैट है जो कि बहुत सही है, अच्छा व्यू हो रहा है और एकदम साइलेंट है, कोई फालतू आवाज़ नहीं आ रही। बस वो जो हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर आता तब आती थोड़ी सी, अदरवाइज बिल्कुल शांत है, उधर की आवाज़ नहीं आ रही इधर जरा से भी। और उस साइड जाओ, जब भी आप में से कोई भी केदारनाथ विजिट करे तो ऊपर ये भैरव बाबा से ऊपर जगह पड़ती है, इधर जरूर आइए। बहुत सुकून होता है यहाँ तो यार, मजा आ गया। बोले मना कर रहे थे आने के लिए, कैसे कैसे प्लान बनी गया है आने का, सही हो गया।